गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सबसे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो आज काफ़ी दिन कई दिन बाद ब्लॉग गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया होगा बीच में तो महोत्सव चल रहे थे, तो ज़्यादातर सीरीज मेरी महोत्सव की आई गाइस। तो आपको बताए तो आज आ रहे हम छड़नदेव, तो और अभी हम जा रहे हैं मंदावर में साथ में गाइस। तो दादाया साथ में कई दिन बाद दादा भी ब्लॉग में गाइस, तो देखो तो जस्ट हम निकल रहे यार। वो कुछ दिनों बाद कुछ सरप्राइज है, आप लोग भी देख लेंगे ब्लॉग में हम क्यों जा रहे हैं छड़नदेव गाइस। तो आप लोग बताऊँ जस्ट हम आपका पहुंचे हैं पलेटा, आपको पलेटा का सीन भी गाइस तो देख सकते हैं। तो हमने कई बार आगे आपको यहाँ काबू की दुकान में ब्लॉग स्टार्ट किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मंदावर में मार्केट से इतनी जल्दीबाजी में निकले, क्योंकि यार क्या बताएं आपको टाइम हो चुका है। आपको बताएं तो करीबन 4-5 बजे आ चुके हैं। दादा टाइम बता दो एक बार। तो देखो गाइस 4:11 होने, देख सकते हैं आप लोग दिख रहा होगा। और हमने अभी अराउंड करीबन 35 किलोमीटर समथिंग हमने ट्रैवल करना है दादा और मैंने बाइक से वो भी। और देख गाइस देख सकते हैं आप लोग जस्ट हम पलेटा पहुँच चुके हैं। पाया हमारा तो निकल चुका है घर की ओर अभी, तो जस्ट थोड़ी देर पहले क्योंकि हम बाइक से आए, तो बाइक हम ट्रिपली नहीं कर पाते हैं पहाड़ों पर, आप लोग को पता है गाइस काफ़ी टाइम रहता है। तो जस्ट हम मंदिर दादा और मैं जा रहे हैं अभी बाइक से, तो नीरू तो निकल चुका है टैक्सी से गाइस। तो थोड़ी देर में दिखाते हैं हम आपको, मोटो ब्लॉग मिलेगा अल्मोड़ा आया हूँ टैक्सी से, तो समझ सकते हैं गाइस। तो कुछ इस टाइप से माहौल है। तो आज 2 दिन बचे हैं, तो बहन की बहन शादी है, तो गाइस तो चक्कर से हम थोड़ा देर में जा रहे हैं। आपको बताया नीरू बहन की शादी है, तो अपनी बहन की शादी है, तो इस चक्कर से हम छड़नदेव जा रहे हैं गाइस। तो अभी जैसे हम आपको बचेंगे पलेटा, तो जैसे थोड़ी देर में निकल जाएंगे गाइस, तो मिल और गाइस हमारे एक और फ्रेंड भी मिलेंगे गाइस। तो जहाँ भी जाते हैं आते प्यार मिलता है, तो आप लोगों को पता ही है यार गाइस। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से, तो गाइस निकल चुके थे वहाँ से। तो जैसे ही मंदावर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो देख सकते हैं ट्रैवल कर रहा है, तो गाइस देख सकते ट्रैवल कर रहा है, पीछे बैठो गाइस। और देख सकते हैं वादियाँ अपने बिदौल की, और गाइस देख सकते हैं जैसे चंडी माता का टेंपल। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, कई दिन बाद ट्रैवल कर रहे हैं गाइस। तो आज ही मोटो ब्लॉग और जैसे भी ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग पाला क्षेत्र ब्लैक आइस। तो आप लोगों को दिखाया था मैंने उसे डिटेल था टाइम ब्लैक आइस। चेकआउट करो, देखो गाइस तो कैसी दिख रही है गाइस, हिमालय की श्रृंखला देखो अलग गाइस। तो आपको बता दें जैसे ब्रांच में पहुंचने वाला गाइस, बहुत ही ये व्यू दिखता है गाइस जैसे पहुंचते ही। तो देखो गाइस काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यार, आपको बताएं तो यार देख सकते हैं आप लोग यार। और जस्ट हम कलांची ने आपको बताया, तो कलांची से करीबन 4-5 किलोमीटर पीछे है गाइस अभी आपको बताएं तो। और यहाँ देखो गाइस ब्लैक आइस पूरी, वैसे भी ठंडा चालू हो रही है, और आपको बताया तो ब्लैक आइस हमारा चालू हो चुकी है लगभग यार। तो गाइस देख सकते हैं यार, अरे गाइस आपको बताया तो दादा ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठा हूं गाइस। तो देखो गाइस जस्ट पहुंच चुके हैं आपको कलांची ना, तो आप लोगों को बताइए मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो आप चाहिए छोटी सी मार्केट है यार। तो जैसे 5 मिनट का काम है यहाँ पर, मिठाई लेनी है, तो मिठाई लेके गाइस निकलते हैं मंदावर में। तो जैसे दादा ड्राइव कर रहा है, मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, दादा ड्राइव कर रहा है, तो मैं तो पीछे बैठा हूँ गाइस कब से। तो जैसे यहाँ पर मिठाई लेनी है गाइस, तो मिठाई डाल लेते हैं, तो उसका निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सोच चुका है काम, तो जैसे 5 मिनट से निकलते हैं मंदावर में, तो 5 मिनट का काम था खाली मिठाई लेंगी, तो मिठाई ले चुका हूँ। तो इसी दिन दादा ने मैं बाजार से बैठ कर आती है मुझे, तो जैसे मैं यार तो निकल चुके हैं दादा और मेरे गाइस। दौल की ऐसी बात यार, सामने दिख रही थी आपको, चलो गाइस मैं कब से किसी में बैठा हूँ, आपको दिख रहा होगा यार। तो गाइस चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोग उससे आगे रस्ते में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये रोड जा रही है जो पुरानी रोड जा रही है, जा रही है मेन रोड जा रही है धारचूला को, तो जस्ट हमने यहाँ से राइड करना है। तो ये जा रही है आपकी गाइस पीपली की तरफ से छड़नदेव की तरफ, तो यहाँ से हम जॉर्ज की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको बताया था आपको, तो यहाँ से हम जॉर्ज की तरफ भी कर सकते हैं गाइस। तो ये रोड आपका जॉर्ज की अटैच होती है, तो अराउंड यहाँ से करीबन हमने करीबन 22 या 23 किलोमीटर समथिंग और जाना है गाइस आपको बताऊँ तो। तो देख सकते हैं गाइस, और टाइम हो चुका है लगभग 5 बजे आ चुके हैं,
उधर से निकल चुके थे मतलब लेकिन लेट हो गया था आपको बताया तो गाइस चलो भी चलो तो बने रहे ब्लॉग में साथ साथ गाइस। तो गाइस आप लोगों को लग गया होगा यार छोटी छोटी रोड तो हम जस्ट गांव घर में ट्रैवल कर रहे हैं आपको बताइए गाइस। और आज तो पूरी गाड़ी गाइस गाड़ी चला रही है मैं पीछे बैठा हूँ मार्केट से अराउंड मार्केट से लगभग बैठा यार बताऊँ तो हमने वहाँ से फ्यूलअप कराया फ्यूलअप कराने के बाद दर चला रहा था और मैंने पीछे बैठा फुल मजा आ रहा पीछे बैठा आपका अभी 5 बजे हो चुका है गाइस। और देख सकते हैं मौसम मौसम तो काफ़ी सुहावना है यार लेकिन काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो जस्ट हम आपको पहुंचने वाले हैं आपका छड़ंदेव चलते हैं फिर। तो गाइस तो पहुंच चुके हैं आपको छड़ंदेव की मार्केट। तो आप लोगों को पता है छोटी सी मार्केट है यार यहाँ गाइस यहाँ भी। तो जस्ट हम पहुंच चुके हैं तो कम्बुदा हो गया गाइस दुकान में आगे तो कम्बुदा की दुकान में चलते हैं जस्ट कम्बुदा की दुकान को गाइस वो आ गया है यार। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग जस्ट हम अभी पहुँचे हैं तो गाइस दादा की परेशानी कोई मिले तो मिलते हैं फिर आगे निकलते हैं। गाइस पहुंच चुके हम नीरू भाई के घर। तो देखते हैं नीरू भाई हमसे पहले आ चुका था हेलो कर दे मेरे भाई कई दिन बाद ब्लॉग में नीरू। तो वैसे घर तो थोड़े ऊपर है गाइस थोड़े अभी हमने यहाँ पार्क कर दिया है तो वैसे निकलते हैं गाइस ऊपर की ओर। अब तो दिखाएं तो रास्ता तो ये है गाइस तो अंधेरा हो चुका है क्या बताएं। और दादा हमारे ये रहेगा गाइस थका लग गई दादा क्योंकि दादा ने पूरी ड्राइव करी आप लोग को बताइए गाइस। तो मैं तो पीछे बैठा था तो दादा ड्राइव कर रहा था हाँ नीरू भाई हमारा आगे आगे। तो गाइस घर को चलते हैं अब तो मिलते हैं आप लोग घर में अब। तो गाइस ये देखो नीरू का बैडी और ये हमारे पापा गाइस। तो देख लिया मैंने इसमें पहुंच चुके थे आपको बताया तो नीरू के घर भाई के घर में और ये रहे हमारे भाई फौजी भाई गाइस फर्स्ट बार ब्लॉग में दिख रहे होंगे देखो। और नीरू का तो देख लिया होगा गाइस आपने यार। तो गाइस सामान वामान दिख रहा होगा तो आपको पता चली जाएगा गाइस। तो कल है शादी तो कल परसों है मेहंदी कल नहीं परसों है मेहंदी गाइस। और नीरू का बैडी देखो यार कहीं गल्ला करता है तो अबे समझाता कि नहीं इसको ओ भाई समझाता कि नहीं इसको देखो ना बैठी को देखो भाई हल्ला ही करते रहेगा बस जब से आया तब से हल्ला कर रहा है फौजी कुछ कह रहे हमारे हाँ इसके और देखो शांति नहीं रहेगा वो हल्ला हल्ला इसका देखो अब गाइस मम्मी लोग से मिला तेरे को। तो गाइस जस्ट आप पहुंच चुके थे नीरू के घर में आप लोग को बताइए गाइस। तो जस्ट भी चाय चल रही थी तो फौजी भाई मिल गए थे आप लोग को बताइए फौजी भाई फर्स्ट बार ब्लॉग में दिखेंगे गाइस आप लोग को यार। तो यहाँ कुछ और नई फैमिली भी जुड़ी है आप लोग को बताया गाइस। तो अभी कुछ जो नीरू भाई के रिलेशन वाले हैं तो उनमें से लखनऊ से भी आए थे भाई लोग। तो गाइस ये रहे अपने भाई लोग तो लखनऊ से आ रहे हैं देख सकते हैं आप लोग यार कैसा लग रहा है आप लोग को पहाड़ों में ठंडा लग रही है कैसी लग रही है वहाँ कैसा था टेम्परेचर वहाँ नॉर्मल था गाइस। और भाई लोग को यहाँ बोले ठंडा है बोले चिले लगा गाइस यहाँ लोग भाई लोग को और बाहर का तो देख सकते हैं और बाहर का क्लाइमेट तो आप लोगों ने देख लिया होगा गाइस। तो गाँव का इलाका है तो आप लोगों को बताइए गाइस छड़ंदेव तो मार्केट से अराउंड आपको बताएं तो 35-40 किलोमीटर समथिंग है आपको बताएं तो नीरवा गाँव यार तो जस्ट नीरवा गाँव थोड़ी इधर है आपको बताएं तो ये नीरवा मकान तो बगल में राइडिंग चल रही है गाइस। और दादा और मैं दादा यहाँ ले चाय पी रहा है गाइस तो दादा मेरी चाय ये देखो फुल चाय चल रही है यहाँ पर अभी। तो गाइस थोड़ी देर भाई लोग के साथ बैठते हैं तो मिलते हैं उसके बाद आप लोग को। तो गाइस हो चुकी है रात तो हम जैसे खाने का वेट और पापा हमारे जानते हो गाइस पापा ने खाना ना पूरा देखो गाइस पूरा खाना रेडी है पापा ने हमारे ये देखो गाइस सब्जी और गाइस दाल भात सैलेड साथ में अचार सब कुछ गाइस। और हमारी बहन तो अंदर है बेली बेली तो अंदर है दादा ये रहा हमारा फौजी भाई जानते हो गाइस ए हेलो कर दो लाग है नहीं गाइस ये रही थी लोग सब बहनी लोग नहीं तो गाइस हेलो तो नहीं करेंगे अभी रात हो चुकी है आपको बताएं तो यार गाइस अगले दिन होगा तो पक्का मिलाएंगे आपको सबको पापा तो ये रहेगा ये दीदी हमारी ये रही दीदी तो खाना खा रही गाइस अभी और मामा हमारी वो रही गाइस आपने देखा होगा पहले व्लॉग में मामा को है मामा अरे ये तो भाई वो बड़ी बहन है। तो गाइस ये रही हमारी बहनी बड़ी वाली ये देखो। तो गाइस आज तो है आप तो ऐसी ऐसी रहा फर्स्ट दिन आपको बताए तो लेकिन नेक्स्ट दिन पापा के साथ सबको मिलाएंगे पूरी फैमिली देखो गाइस पूरी फैमिली कह रहा हूँ पापा तो हमारे देखो और दादा हमारा मंदा मम्मी तो अंदर है आपको बताए तो गाइस और बहनी। तो गाइस बहनी हमारी ये रही बहनी भाई करो ये गाइस देखो बहनी उसने फोटो नहीं खिलाई लेकिन आज मैंने चेहरा दिखाया तो गाइस आपको बताया 2 दिन बाद आपको बताइए गाइस बहनी की विदाई है तो आपको बताइए पूरा ब्लॉग बहनी के ऊपर है। तो गाइस आपको बताइए यार तो गाइस खाना ला आपको बताइए पूरा अरेंजमेंट यहाँ किया पापा ने तो खाना ना खाते हैं तो उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस हो चुकी है हमारे सोने की तैयारी दादा लास्ट में सोया राजू भाई हमारे जितने भाई लोग हमारे बीच में सोए गाइस और नीरू भाई हमारा और गाइस अम्मू भाई लास्ट में आया था हमारा भाई अम्मू अम्मू कुछ बोलेगा बस यार भाई को प्यार देते रहो ब्लॉग इन करेगा आज ब्लॉग इन करेगा लॉगिन करेगा करेगा तू तो गाइस ये तो डायरेक्ट ब्लॉग इन कर रहे हैं यार गाइस अम्मू भाई तो डायरेक्ट ब्लॉग इन कर रहे हैं गाइस।
तो बताइए गाइस, तो ये ब्लॉग हिल नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन गाइस सब मिलेंगे ना गाइस, तो फुल बुमबाम चल रहा होगा, काफी बाम चल रहा होगा हेमू। तो गाइस ये ब्लॉग हिल नहीं करूंगा, तो मिलते हैं लास्ट में, मतलब जय हिंद, जय भारत, जय।